दोस्तों हमारे पास ये एक डाटा शीट है, इसमें कईयों डाटा डुप्लीकेट हैं, उनका हम कैसे पता लगा सकते हैं कहां कहां पर वो डुप्लीकेट डाटा हैं। मान लीजिए ये एक छोटी सी शीट मैंने आपको समझाने के लिए यहां पर आपको दिखा रहा हूं, पर आपके पास डाटा बहुत बड़ी संख्या में हो सकता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में हो सकता है। आप उसको घंटों के कामों को एक सेकेंड में, दो सेकेंड में आप कर सकते हो, कैसे कर सकते हो, इसी के लिए आज मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम करेंगे क्या, इस डाटा को यहां से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें होम टैब पर जाना है। होम टैब पर जाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप देख पा रहे हैं इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही हम हाईलाइट सेल्स रूल्स में जाना है और नीचे आ जाना है जहां पर डुप्लीकेट वैल्यू लिखा हुआ है, इस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आप देखोगे कि जो भी डुप्लीकेट है वो सब मार्क्ड हो चुके हैं, रेड कलर में आ चुके हैं। कलर को आप चेंज कर सकते हैं। ये जो टारगेट 100 का है तो 100 सब में टारगेट 100 ही, जो इसलिए 100 रहेगा, जो डुप्लीकेट बताए गए सही। आप यहां से इसको टेक्स्ट को के जो कलर चेंज हुए हैं उनको चेंज भी कर सकते हैं। यहां पर से आप येलो कर सकते हैं, ग्रीन कर सकते हैं, या फिर नीचे नीचे आके आप कस्टम फॉर्मेट में जाकर, ये फिल पे जाकर, ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा उसमें फिल जाकर आप यहां पर से कोई भी कलर का चयन कर सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर ओके कर दीजिए और यहां पर भी ओके। अब आप देखेंगे कि आपके पास ये जो भी डुप्लीकेट डाटा है वो सिलेक्टेड कलर में आ चुके हैं। अब हम इस डुप्लीकेट डाटा को हटाएंगे कैसे, इसके लिए हम वापस इसको एक बार पूरे डाटा को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद हम डाटा टैब पर जाएंगे। डाटा टैब पर जाते ही आप यहां पर देखोगे कि रिमूव डुप्लीकेट्स का जो ऑप्शन है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करते ही आपको ये सेलेक्ट ऑल पर सेलेक्ट मिलेगा और ये सब चेकबॉक्स कंप्लीट राइट मिलेंगे। आपको यहां नहीं करना है, आपको अनसेलेक्ट ऑल पर क्लिक करना है। अनसेलेक्ट ऑल क्लिक का मतलब ये है कि जो सेलेक्ट ऑल है, जो पूरा डाटा हमने सेलेक्ट किया है वो उसको मान लेगा, और अनसेलेक्ट का जो मतलब है कि जो जो डाटा डुप्लीकेट से ये येलो कलर से सेलेक्ट है उनको छोड़कर छोड़ देना है। यहां पर हमें रो सेलेक्ट करनी है सेल्समैन, जैसे कि आप ये फर्स्ट वाली रो देख रहे हैं, सेल्समैन हमें यहां पर से डुप्लीकेट हटाने हैं। ये अनसेलेक्ट ऑल करके हमने सेल्समैन पर क्लिक कर लिया और उसके बाद ओके कर देना है। ओके करते ही ये मैसेज आएगा कि तीन डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड एंड रिमूव्ड। तीन डुप्लीकेट वैल्यू इनको मिली थी, उन्होंने हटा दी हैं, और 9 यूनिक वैल्यू रिमेन, जो 9 यूनिक वैल्यू है वो भी बाकी हैं, जिनके की ये है वो 9 ही वैल्यू। इस तरह से दोस्तों आप डुप्लीकेट वैल्यू को फाइंड करके हटा सकते हैं। अब जो ये येलो कलर है, जो अभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग इस पर चल रही है, उसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, वापस इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद होम पर जाएंगे। होम पर जाने के बाद ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहां पर है, जिस पर क्लिक करेंगे और ये क्लियर रूल्स पर हम अपना कर्सर लाएंगे और उसके बाद ये क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स यहां पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद ये क्लियर रूल्स यहां पर हट जाएंगे और ये कलर हट जाएगा। अब आपके पास बिना डुप्लीकेट वैल्यू वाला डाटा यहां पर मौजूद है। दोस्तों इस तरीके से आप अपने डुप्लीकेट वैल्यू अपने डाटा में से हटा सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें, जिससे कि जो हमारे आने वाले यूजफुल वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।